अपने पिता से बढ़ाई का काम सीखकर खुद का बिजनेस शुरू किया। अब कारपेंटर दीदी नाम से फेमस हुई। कारपेंटर दीदी की लगन और मेहनत के लिए एक लाइक तो बनता ही है। हम जिस महिला कारपेंटर की बात कर रहे हैं उनका नाम प्रीति है। वो महाराष्ट्र राज्य के नागपुर में रहती हैं। नागपुर में ही इनकी फर्नीचर की शॉप है जिसका नाम श्री गणेश फर्नीचर है। और इस शॉप में ही प्रीति ने बचपन से ही अपने पिताजी के साथ काम करना सीखा था। प्रीति जब छोटी थी तो अपने पिताजी के साथ शॉप में काम करके अपने पिताजी की मदद किया करती थी और धीरे धीरे वो अपने पिताजी की तरह लकड़ी से चीजें बनाना सीख गई। पहली बार उन्होंने अपने पिता से सीखकर एक अलमीरा बनाई। अलमीरा उन्होंने इतनी अच्छी बनाई थी कि उनके आसपास के सभी लोग उनकी तारीफ करते नहीं थकते थे और यहीं से प्रीति के कारपेंटर बनने की शुरुआत हो गई। आज प्रीति इतनी प्रसिद्ध हो गई है कि उनके इलाके में होने वाली शादियों में जरूरी सभी लकड़ी के सामान बनाने का ऑर्डर उन्हें ही मिलता है। लोग उन्हें सबसे पहले प्रेफरेंस देते हैं। प्रीति ने अपने काम से वहां के फर्नीचर शोरूम के मालिकों को एक बड़ी चुनौती दे दी। एक अलमीरा से प्रीति ने अपने करियर की शुरुआत की और लोगों की तारीफ पाकर उनके हौसले और भी बुलंद हो गए। इस कार्य को करने में प्रीति ने अपने पूरी जी जान झोंक दी। धीरे धीरे वो इतने अच्छे फर्नीचर बनाने लगी कि लोग उनके कार्य के कायल हो गए। उनका काम आज इतना प्रसिद्ध हो चुका है कि पूरे देश भर में उनकी चर्चा हो रही है। इस काम में उनके पिता और पति ने साथ दिया। आज प्रीति एक फेमस महिला कारपेंटर बन गई है। उनकी शॉप इतनी चलने लगी कि वो बताती हैं कि अब उनके पास इतना काम होता है कि उसे वो अकेले नहीं कर पाती हैं। इसीलिए उन्होंने काम बांटने के लिए अपनी शॉप में काम करने के लिए कुछ वर्करों को भी रख लिया है जिन्हें वो हर माह तनख्वाह भी देती हैं। तो यदि आप हमारे चैनल को अप्रिशिएट करना चाहते हैं ऐसे ही वीडियोस के लिए तो हमें सुपर थैंक्स के द्वारा गिफ्ट भेज सकते हैं और अपना प्यार हम तक पहुंचा सकते हैं।